व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केला प्यूरे लहसुन के बारे में, इसके यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों केला प्यूरे जो कि एक लहसुन है जिसको दोस्तों यूज किया जाता है वेराइटी ऑफ स्किन कंडीशन में, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जिक रिएक्शंस और इची रैशेस में, ये सब की ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और केला प्योर ए एक एंटीसेप्टिक और एंटी प्रोटेटिक लोशन है जिसको दोस्तों प्रिपेयर किया गया है कालामाइन, एलोवेरा और लाइट लिक्विड पैराफिन की कॉम्बिनेशन में। कालामाइन, एलोवेरा और लाइट लिक्विड पैराफिन विथ वाटर, ये सब की कॉम्बिनेशन से इसका प्रिपरेशन हुआ है दोस्तों। और ये एक मॉइस्चराइजर है और जो कि हमारे ड्राई स्किन को प्रोटेक्ट करता है और उसको सॉफ्टन करता है। और ये दोस्तों हेल्प करता है स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए और ड्राइनेस और फ्लैकीनेस को कम करता है और स्किन को सॉफ्टन भी करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट और ये एप्लीकेशन में बहुत ही इजी होता है और क्विकली एब्जॉर्ब करता है ये। और ये डेली स्किन केयर रूटीन के लिए आइडियल है ये जो केला प्योरे लोशन है। और दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो लोशन है इसको यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन इसका यूज आप ना करें। अगर आप डे टू डे लाइफ में कोई अदर स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या अदर कुछ टॉपिकल प्रिपरेशन का यूज कर रहे हैं तो ये बात आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए इसको यूज करने से पहले, ताकि जो इंट्रैक्शन होता है मेडिसिन का वो ना हो यूज के टाइम। केला प्योरे लोशन एक हाईली इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसको वाइडली यूज किया जाता है दोस्तों ड्राई, इची, इरिटेटेड स्किन, स्किन की प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका एक यूनिक फॉर्मुलेशन है दोस्तों, ये एनरिच है एलोवेरा से और लिक्विड पैराफिन से जो कि हेल्प करता है डीपली मॉइस्चराइज और नोरिश करने के लिए स्किन को। दोस्तों इसके साथ साथ ये और भी प्रॉब्लम्स जैसे कि सन बर्न से रिलीफ देता है, स्किन को सूथेस करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को और मॉइस्चर को लॉक करता है। और दोस्तों इसको आपको कैसे यूज करना है, दोस्तों इस लोशन को थोड़ा सा अपने पाम में ले और उसके बाद अफेक्टेड एरिया में जेंटली एक सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करें और इसको आपको रेगुलर बेसिस में यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। और दोस्तों ये जो लोशन है ये ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए है और सिर्फ आप इसको स्किन में ही अप्लाई करें। और बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, और मेजोरिटी इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो माइनर होता है और ये टाइम के साथ इसको बॉडी एडजस्ट कर लेता है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि रास, इचिंग और स्वेलिंग, स्पेशली जैसे कि आपके फेस, टोंग और थ्रोट, अगर इसमें होता है तो तुरंत ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और सीवियर डिजीनेस, स्ट्रगल ब्रीदिंग, अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और एलर्जिक रिएक्शन, दोस्तों अगर इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स है अगर आपको इससे एलर्जी होता है आपको पहले पता है तो इसको यूज करने से पहले डॉक्टर को आप ये बात जरूर बताइए। और
अगर कोई प्रेगनेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग वूमन है तो इसको यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें, विदाउट डॉक्टर के एडवाइस या कंसल्टेशन इसका यूज आप ना करें। तो दोस्तों आई होप ये थोड़ा सा वीडियो कैलाबियर ए लोशन के बारे में आपको पसंद आया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको इसकी यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में मेरे को जरूर पूछें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी मेरे को आप नीचे कमेंट में जरूर दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर दोस्तों।